से ही नेता निकल आते हैं। ये जो नेता है बालका सुमन है, कहां बैठा है बालका सुमन है, ये देखो कितना जवान है, ये कॉलेज में पढ़ रहा लड़का था, मेरे साथ जंग में आया था, कम से कम उम्र में ये पहली बार एमपी बन गया। उसके बाद 30 साल मेरा उम्र जब, हाँ जब इनके 29 साल उम्र था एमपी बन गया। ये छोटा आदमी थे, विद्यार्थी थे, कहां से बनते हैं, हिम्मत है, ताकत है, लड़ते हैं, ईमानदारी की बात है। तो नेता को देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं, हम में से ही नेता को निकालना चाहिए। जब तक ये हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारा कोई मतलब समाधान नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। 13-13 महीने भैया अपमान का भी कोई हद होता है, कोई सीमा होता है। 13-13 महीने हमारे किसानों ने दिल्ली राजधानी पे धरना दिया, 750 किसानों का मृत्यु हुआ, एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से, एक शब्द कम से कम, आंख से एक आंसू, क्या समझने चाहिए इसको? क्या हम इतना लाचार है किसान, इतना बेकार है, हम नहीं दिख रहे किसी को? 750 किसान मर गए। किसी ने पूछा प्रधानमंत्री जी ये इतने लोग मर गए, कुछ तो उनका सहायता करो, क्या वो मेरे लिए मरे क्या? प्रधानमंत्री खुद ऐसा कहता है तो देश का हालत क्या होता है? तो किसानों के लिए उनके दिल में कितना इज्जत है सोचिए। मैं पहले ही कहा कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं अगर हूं किसान के मददगार हूं, किसान के सपोर्टर हूं, मुझे किसी से कोई पंचायत नहीं है। मैं चाहता हूं दिलो दिमाग से कि इस देश में किसी भी कीमत पर किसानों का आत्महत्या रुक जाए, हिंदुस्तान के रेकर्ड में पानी आ जाए, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाली फ्री करंट मिले, किसान के पैदावारी को पक्का अच्छा दाम मिले, उनका रक्षा हुए, उनका बीमा किया जाए, फसल बीमा, किसल बीमा, जो झूठे वादे झूठे ड्रामा है, नहीं सोचने की बात है। बहुत बड़े बड़े नेता है भाई, शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से कहीं किसान नेता भी बोलते भाई हमको जाना है, कहीं को जा रहे भाई, धरना करना है, कहां धरना करना है, चक्कर फैक्ट्री के सामने धरना करना है, हर साल करना क्या? गन्ना खरीदते हैं पैसे नहीं देते, 3-3 महीने, 6-6 महीने, कहीं तो देते भी नहीं है, दाम भी नहीं देते, क्या घोटाला है इसके पीछे? क्या हमारे सारे नेता इनसे मिले हुए हैं? या तो फिर केंद्र सरकार के पास, राज्यों के सरकारों के पास, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे महाराष्ट्र के, या हमारे संविधान में हमारे कानून में इतनी कमजोरी है कि किसानों को पैसे भी नहीं दिला पाए? ये क्या चक्कर है? सरकार अगर समझता 24 घंटे के अंदर पैसे ना आ जाए किसान के चौखट पे, नहीं आएंगे? आएंगे क्या नहीं आएंगे? यानी कि क्यों नहीं आ रहे? सरकार नहीं समझ रहे, सीरियसली नहीं ले रहे। इसीलिए 13 महीने का धरना देखो आज क्या हुआ, कुछ निकला समाधान? 13 महीने का धरना का कुछ समाधान निकला? कुछ नहीं, निकलेगा भी नहीं। इसीलिए कि वो समझ बैठे हैं किसान एकत्रित नहीं होंगे, किसान के पास बुद्धि नहीं है। एक बार एकत्रित होकर बना के बताइए नांदेड़ भाइयों, महाराष्ट्र के अन्य जिला से आए हुए भाइयों, मैं आपसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं आगामी जिला परिषद चुनाव में किसान अपने ताकत दिखा दे, महाराष्ट्र सरकार झुक के आपके पास आ जाएगी। एक बार तो दिखाओ कम से कम। सरकारों को सीधा उंगली से जब घी नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से निकलना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे विनम्रपूर्वक विनती करता हूं, जब तक हम बिखरे हुए रहेंगे, बटे हुए रहेंगे,
हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं, कहीं अन्य समस्या भी है, हमने सिर्फ किसानों के लिए नहीं किया, तेलंगाना में हमारे बुनकर भी आत्महत्या कर रहे थे, मर रहे थे, आज उनको सिर्फ 50% में ही सारे उनके लिए प्रबंधन करते हैं, उनके जो सामान चाहिए होता है। हमारे धनगर जो बकरी पालते हैं 75% सब्सिडी पे, भारत में सबसे अधिक 7 लाख के ऊपर बकरी के यूनिट लाके उनको बांट दिए हैं। कलालों का हमने काम किया है, जो सेंधी के जाड़ों का रकम होता है उसको पूरा बर्खास्त कर दिया है। हर किसी को हमने काम किया है, करते करते जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं, उनके लिए काफी हमने काम किया है, उनका भी आज कल्याण हो रहा है। तेलंगाना में फ्री में डालते हैं पूरे सीड जितना भी है, आज वो भी खुश है। जो नाई है, जो हमारे कपड़े धोने वाले धोबी भाई है, उनके लिए भी 250 यूनिट तक का पावर फ्री में देते हैं, वो लोग भी थोड़ा इसको उपयोग कर रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हमने कायम किया है, 1000 से ऊपर आवासीय विद्यालय हमने बनाए हैं तेलंगाना में। ये सारे चीज जब वहां हो सकता है, यहां भी जरूर होना चाहिए, हो जाएगा अगर आप समझ गए तो। यहां के नेताओं के चक्कर में, झंडा में उलझे रहोगे, फंसे रहोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे विनंती कर रहा हूं, मैं जो भी कह रहा हूं आगे पत्रकारों को मीटिंग में जो भी कहूंगा, उन बातों को जरूर सोचिए, गांव में चर्चा कीजिए। अगर मेरे बात सच है, मेरे बात में ईमान है, तो उठाइए गुलाबी झंडा, सरकार किसान का बनाइए, दम बताइए अपना, तब जाके समाधान मिल सकता है। आखिरकार दलित भाई, हमारे दलित वर्ग के लोग पीड़ित वर्ग के लोग है, आदिवासी लोग भी है, दलित वर्ग के लोग कब तक रहेंगे ऐसा? इनके लिए भी तेलंगाना में अच्छा समाधान निकाला है, जो तेलंगाना दलित बंधु स्कीम है। हमारे पास 17.5 लाख दलित घराने हैं तेलंगाना में, उनको हर फैमिली को वापस नहीं देने वाला, बिना किसी बैंक के झंझट के 100% सब्सिडी के रूप में 10 लाख रुपए हर घराने को देते हैं। वो जो काम कर सकता है, उनका कोई रोक धाक नहीं है, जो काम वो समझता है कर सकता है, वो कर सकते हैं। तेलंगाना दलित बंधु आज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, ऐसा ही भारतवर्ष में दलितों के साथ जो अन्याय हुआ, उनका भी पीड़ा चले जाना चाहिए, ये हमारा भारत समाज का फर्ज बनता है। तो इसीलिए हमने प्रतिज्ञा लिया है, शपथ लिया है, बीआरएस सरकार आ जाए तो हर दलित घराने को 10 लाख रुपए दिया जाएगा, हर साल 25 लाख दलित घराने को देश में दलित बंधु भी लागू किया जाएगा पूरे देश भर में। रईत बंधु जो है, किसान बंधु स्कीम, वो भी हर जगह दिया जाएगा, हर राज्य में दिया जाएगा। भाइयों, इससे मैं एक ही बात आपको कहता हूं, मैं आपको कोई युद्ध करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपसे किसी से झगड़ने का लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई धूप में बारिश में आके जंग करो, मैदान करो, तलवार पकड़ो, ये बात मैं नहीं कहता। बस सिर्फ इतना करो कि बैठो, समझो, चर्चा करो, एकत्रित हो जाओ। हाँ, ऐसा उंगली से मारे तो मार नहीं लगेगा, मुट्ठी भर के पचकड़ मारो तो जबरदस्त मार लगेगा। उंगली बन के नहीं रहना है, मुट्ठी बन के रहना है, एकत्रित हो जाओ, अपने वोट अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट अपने लिए, अपना सरकार बने, तब जाके हमारा समाधान निकलता है। पानी आ जाएगा, बिजली आ जाएगा, एक के पीछे एक सुबह आ जाएगा, सारे समाधान निकल जाएंगे, ये गोलमाल से हम हट जाएंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। मैं आपसे नहीं, कई चीजें भाई क्या बोलते, मैं आपको कम बातों में कुछ बातें समझाने की कोशिश किया, काफी अन्य बातें भी है,
किसानों पे मैं ज्यादा कहना चाह रहा था। इससे पहले हमारे धर्माबाद तालुके के बापूराव कदम जी, हमारे युवा मित्र गणेश कदम मेरे पास आए थे, काफी साल पहले से मेरे पास आ रहे हो। वो चाह रहे थे बार बार कि साहब आपकी आवाज महाराष्ट्र में आ जाए, नांदेड़ में आ जाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जो इतनी भारी संख्या, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी तादाद में आप आओगे। इतनी बड़ी संख्या में आके जो आपने एकता बताई, जो प्यार मुझे दी, जो आशीर्वाद आपने दिया है, मैं दिल में रखूंगा, मैं भूल नहीं जाऊंगा। ये मेरा पहली सभा था महाराष्ट्र राज्य में। कुछ ही दिनों में भाइयों बीआरएस का काम शुरू होगा। हमारे मानिक कदम जी जो किसानों के लिए जिंदगी भर लड़ते हैं, हमारे दशरथ सावंत काका, अभी उनका 84 साल उम्र है, 84 ईयर्स, अभी भी वो किसानों के लिए तड़पते हैं। ये लोग तैयार किया है पूरा नक्शा, सिर्फ 8-10 दिन के अंदर हर गांव में बीआरएस की गाड़ी आ जाएगा, हर गांव में आ जाएगा। पूरे कमिटियां बनेंगे ताकत जुटाने के लिए, किसानों को एकत्रित करने के लिए। 10 दिन के अंदर, मात्र 10 दिन के अंदर पूरे गाड़ियां हर गांव में, मतलब यानी कि महाराष्ट्र राज्य में 288 असेंबली हल्के हैं, पूरे 288 गाड़ी एक साथ निकलेंगे। छत्रपति महाराज के जन्मस्थल जो शिवनेरी है, वहां माता टेक के शपथ लेके किसानों का सरकार बनाने के लिए पूरी महाराष्ट्र राज्य में किसान कमेटियां बनाने का प्रक्रिया शुरू होगा। मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग एकत्रित हो जाए। मैं भी चार जगह जाऊंगा, सिर्फ नांदेड़ नहीं, पश्चिम महाराष्ट्र जाऊंगा, विदर्भ में जाऊंगा, उधर उत्तर महाराष्ट्र में भी जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा जहां तक मेरे से हो सकता है। जो शक्ति भगवान ने मुझे दी है, मैं पक्का उसके लिए काम करूंगा। इतना कहते हुए, धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। तसेच कड्या कपारीने आणि त्यातून वाहणाऱ्या नद्यांनी